नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सबको। सुबह का टाइम है, नहा के पूजा करके निकल आए हैं। चलिए आप लोग को आज बहुत ही अच्छी मंदिर में लेके चलेंगे, आपका भी दिल खुश हो जाएगा। इस समय 4:48 है। चलिए फिर बने रहिए, अभी 50 तक की बस आ जाना चाहिए। चलिए वीडियो में बने रहिएगा, स्किप करके प्लीज मत देखिएगा। बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाते हैं, इंफॉर्मेशन बता देंगे कितना टिकट है, कितना किराया है, क्या टाइम है, सब कुछ बता दिया करेंगे। चलिए वीडियो पे बने रहिएगा, हम किस में जा रहे बता देंगे। ट्रेन कुछ खाली है, छह बज रहा दोस्तों, आने वाले हैं सियालदा। चलिए सियालदा आ गए। अब कोलकाता में भी बहुत ठंड पड़ने लगी है। जैसे हम लोग सोचते थे, हम लोग यूपी कानपुर से बिलोंग करते हैं, पहले यूपी से यूपी में बहुत ठंड रहती थी, तो अब यहाँ पे भी देख रहे ठंड अच्छा खासा है। तो नोहाटी स्टेशन आ गए हैं। आज हम बोरो माँ, काली माँ है बोरो माँ, ये भी स्वप्न से ही हुआ दिखाया गया है, तो उन्हीं की माँ की दर्शन करने के लिए निकल पड़े हैं। ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ी ही दूर है स्टेशन से, तो हम पैदल ही चल रहे हैं। वीडियो पे बने रहिएगा, थोड़ा सा पसंद आए वीडियो, अच्छा लगे, यूजफुल लगे, कभी भी अगर आप आके घूमने के लिए वीडियो देख के, तो जरा सा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर दिया करिए। देखिए स्टेशन के बगल में ही सब कुछ मिल रहा है, आप देख सकते हैं माँ का श्रृंगार, मात्र 20 टका सब कुछ, मात्र 20 टका सब कुछ, 20-20 रुपए में पूरा पैकेट है, आप ले सकते हैं। बिल्कुल बगल में ही है, कोई दूर नहीं है दोस्तों, माँ के दर्शन कर ले। चलिए आप अगर आए तो आप भगवान जी की इस तरह से बंधवा सकते हैं, मड़वा सकते हैं। ये देखिए सुंदर सुंदर माँ की फोटो है, कमल का फूल सब लगा हुआ है। आज पता है अमावस्या है, कल अमावस्या था, तो ये आज भी बता रहे कि वो दोपहर तक की है। पोष महीने में मूली चढ़ता है, अभी हमने फूल वाले से पूछा है, तो इसीलिए सबकी डलिया में मूली है। ये प्रसाद बट रहा है, ये मंदिर है, देख लीजिए मंदिर का दर्शन करा रहे हैं, ये मंदिर का दर्शन करा रहे हैं, और ये लाइन लगा हुआ है, देख सकते हैं। ये माँ का प्रसाद है, आपको ये भंडारा बट रहा है माता जी का, ये लाइन लगा हुआ है। 7:20 हो रहा है, तब देखिए सब लोग आ गए। इस तरीके से काफी लंबा लाइन लग चुका है। टॉर्चे लाइट, मोबाइल लाइट बंद करो, सब माता रानी की कृपा है, बिना कृपा के कोई काम नहीं होने वाला है। आप देखिए हम गए थे शांति निकेतन की, आज हमारी तैयारी थी, जब वहाँ टिकट काउंटर में बोला गया कि 70 रुपए किराया है, तो हम समझ गए इसका मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो हमने नोहाटी के लिए ले लिया। आज पता है अमावस्या है, कल अमावस्या था, आज शाम को 6:30 बजे समाप्ति है, और देखिए कितना भीड़ है जिसका कोई जवाब नहीं। ये देखिए आगे गंगा जी है, वहाँ से दंडवत करते हुए मंदिर तक पहुँचेंगे। ये देखिए ये मनौती किया है, तो मनौती में ये सब नए वस्त्र, गंगा स्नान करना, दंडवत करते करते काम पूरा हुआ, सफल हुआ है, इसलिए
আছে তাও তো লাগাই দিতে হবে একদম ভালো নাই চল মায়ের বাইতে কেউ বেরোতো না ওটা ঠিকই শুনেছেন মা এখানে কেউ বলতো না একদিন সুন্দর দেখে কেউ দেখেছিল দেখেছিল মুখমাকে স্বপ্ন দেখিয়েছিল যে আমাকে পূজো কর তারপরে এটা একটা পূজো হয় ভবেশকালী নামে পূজোটা হয়েছিল তারপর থেকে বড় কালী হয় তারপরে এখন বড় মা বলে প্রসিদ্ধ হয়েছে আচ্ছা ঠিক আছে ধন্যবাদ হ্যাঁ বলেন আমাদের শনিবার মঙ্গলবার এখানে ভোগ বিতরণ করা হয় শনিবার মঙ্গলবার ভোগ বিতরণ হয় কোই টোকন নেই লাগতা হ্যাঁ নেই নেই আচ্ছা আগর আপ ঘর সে ডব্বা লায়ে তো ঠিক হ্যায় না তো ইয়ে দিদি সে 10-10 রুপে কা ডব্বা লে লিজিয়েগা প্রসাদ কে লিয়ে ঘর লে জানে কে লিয়ে আপ জিতনে বার লাইন লাগেঙ্গে উতনে বার আপকো প্রসাদ মিল জায়েগা ঠিক হ্যায় তো আপ ইয়ে নি এক সাথ পাঁচ জুমনা লিজিয়ে দো সে ডেড় সে দো বজে কে বিচ মে প্রসাদ দো ঢাই বজে থেকে তাও 10-12 বছর আগে বড় মায়ের মন্দির তখন মন্দির স্থাপিত ছিল না তখন এমনি সব এখানে বছরে একবারই কালী পুজোর সময় তখন পুজো দেওয়া হতো তখন মানে প্রায় তাও 12-13 বছরের ওপরে আস্তে আস্তে মন্দির হলো তখন এই ব্রহ্মময় মন্দির শ্যামাসুন্দরী মন্দিরে সবাই পুজো দিত তখন তো আর মন্দির ছিল না এখন মন্দির তারপরে মন্দির হলো তারপর তো নতুন করা হলো 10 বছর পর তাও মন্দির করা হলো 10 বছর আগে তারপরে এখন তো নতুন মন্দির স্থাপিত হলো এখন সবাই সবসময় এখন আমরা 12 মাসে পুজো দিতে পারি মন্দির খুব মানে শক্তিমান হ্যাঁ খুবই জাগ্রত জাগ্রত খুবই জাগ্রত বড় মা বলতে সবাই জানে একদম জাগ্রত বড় মা মানে কাজ হবেই হবে মানে সিধে নিকলেঙ্গে ইস তরিকে সে ওই বড় মা মন্দির কে সামনে সে ইয়ে হ্যায় গঙ্গা ঘাট তো ইয়হা পে দর্শন কর লে গঙ্গা জল ভি আপ ভর কে লে যা সকতে পবিত্র গঙ্গা মন্নত কিয়া থা দেখ রে হ্যাঁ ये जो है चुड़चुड़ा एक जगह का नाम है वेस्ट बंगाल में तो ये वहाँ का है सब लोग सर्विस वगैरह करते हैं आना जाना इसी से ही करते हैं ये देखिए सब जा रहे हैं आप सब देख सकते हैं सुंदर सा माँ गंगा है आप स्नान वगैरह करके जैसे मनौती किया है मनौती आपका पूर्ण हो गया तो आप गंगा स्नान करके माँ देवी को पूजा अर्चन कर सकते हैं देख सकते हैं सुन का भी आसन है भगवान जी को ड्रेस भी है आप देख के खरीद सकते हैं ये गाय बछड़ा सुद्धा है दोस्तों बड़ोमा बहुत जागृत मंदिर है माता जी स्वपन द्वारा जैसे भी हमने आपको स्टोरी बंगाली में दे दिया है तो आप लोग यहाँ पे आने के इच्छुक हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप सियालदा से नोहाटी या दमदम से भी नोहाटी आप मतलब कोई दिक्कत नहीं बस से भी आप जा आ सकते हैं और हावड़ा से भी आप आ सकते हैं इस तरीके से है थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगे अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा वीडियो यहीं समाप्त करते हैं फिर एक अच्छी सी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे नमस्ते आप लोग हर
सब लोग हष्ट पुष्ट स्वस्थ रहें।